हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू न्यू क्वांटम क्लासेस। माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। टुडे आई ब्रिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की बात चली तो बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस आई। सर, जो बिगनिंग्स हुई वो आपकी डाल्टन से हुई, है ना। डाल्टन ने कहा कि जितने मैटर्स होते हैं हमारे आसपास, ठीक है, वो सारे के सारे मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो एटम है। ठीक, क्या है? एटम। लेकिन इससे बात बनती नहीं है। एटम के अंदर जो आपका ये है, जो आपका एटम है, उसमें चार और सारे चीज़ें होती हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर आपका न्यूट्रॉन। एक्चुअली हुआ क्या था कि उस टाइम पर बिगनिंग में जब एलिमेंट को क्लासीफाई किया गया तो ये बोला गया कि, और उस टाइम पर जो आपके एलिमेंट थे उनके केवल मास मालूम थे, मास नंबर या एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, इस टाइप से जानकारी थी, और केवल हाइड्राइड थे और ऑक्साइड थे। तो उस टाइम पर तो बिगनिंग में आपकी जो एलिमेंट को अरेंज किया गया उनके 10-15-20 एलिमेंट थे, वो उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया। इसमें तीन साइंटिस्ट की इम्पोर्टेंट रोल था। नंबर वन थे आपके डॉब्रिनियर, नंबर टू थे ऑक्टेव, ठीक है, ऑक्टेव, नंबर थ्री थे सबसे इम्पोर्टेंट फेमस साइंटिस्ट मेंडलीव्स, ठीक है, जिन्होंने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बनाई। मेंडलीव ने एक और बात कही उस टाइम पर कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी पीरियोडिक फंक्शंस जो आपके होते हैं वो उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग होते हैं। अच्छा, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में विचार किया गया तो यहाँ पर सबसे जब इम्पोर्टेंट जो बात है वो जेड है। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर होना। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बिल्कुल अगर हम देखें तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का मॉडर्न स्वरूप है, मॉडर्न पार्ट है। इसे कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले सबसे जो बेसिक चीज़ देखी गई वो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है। अब जब एटम की बात होने लगी तो बोर ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के एल एम एन के थ्रू दिया। इसके बाद जो आपके सोमरफील्ड थे उन्होंने सबसेल एस पी और डी और एफ इन सब के बारे में थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी दी। जब उन्हें सबसेल के बारे में पूरी जानकारी हो गई और फिर फ्यूचर में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया एटॉमिक नंबर के बाद, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया गया, ठीक है। जैसा कि आप ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हो, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की विशेषता ये, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, छोटा भी कर देता हूँ नहीं तो फिर आप देख नहीं पाओगे। विशेषता ये है कि इस मॉडर्न देखो पहले मैं आपको समझा दूँ फिर मैं एक एक करके स्लाइड कर दूँगा। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है कि एलिमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग, 1s2 2s2 के अकॉर्डिंग और उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल लाइंस आप देख रहे हैं ना, ये आपकी 18 है, 18 वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो आपकी 18 वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हमने ग्रुप बोला। फिर आपकी 7 पीरियड्स हैं, ये सारे के सारे 7 पीरियड हैं। इसके अलावा आप ये भी देख रहे हो, ये भी दे रखा है। तो जैसा कि आप जानते हैं 4 टाइप के सबसेल होते हैं, जो आपके एस होते हैं उनमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी होते हैं उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी होते हैं उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जैसा कि आप एक और बात जानते हो, जो आपका एस होता है इसमें 1 ऑर्बिटल होता है, पी में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं और डी के अंदर आपके 5 होते हैं, एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। उसी के आधार पर ये सारे की सारी प्रॉपर्टी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, हम आपको नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जानकारी दे दें, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को ही हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ने से पहले हमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मालूम होना चाहिए। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का मतलब ये होता है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। इन दिस पीरियोडिक टेबल ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर इट्स और देयर एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। इन दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 18 ग्रुप्स, देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7
पेरियड्स आर अरेंज. दीज 18 ग्रुप्स आर वर्टिकल लाइन्स वाइल 7 पेरियड्स आर हॉरिजेंटल लाइन्स. चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं. जब हमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल बनानी हो तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, कॉपी को हम हॉरिजेंटली अरेंज कर लेते हैं. ये मैंने आपको जानबूझ के हाथ से बनाई टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, आप इसे देख लीजिए समझ लीजिए. ठीक है, आप प्रिंटेड पेज भी ले सकते हैं. तो एक्चुअली होता क्या है, जब तक हम खुद कोई चीज़ नहीं बनाए तब तक हम फील नहीं कर सकते. तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल के अंदर हमने केवल और केवल वर्टिकल लाइन्स बताई हैं, 18 वर्टिकल लाइंस आपकी बताई गई हैं. ठीक है, इस पेरियोडिक टेबल से हमें ये पता लगता है कि मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के अंदर 18 वर्टिकल लाइंस हैं, और ये 18 वर्टिकल लाइंस को हमने फर्स्ट, जैसे फर्स्ट ए है ना, सेकंड ए है ना, थर्ड बी, फोर्थ बी, इस तरीके से हमने पेरियो ग्रुप्स को अरेंज किया गया है. नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं. तो इसमें आपके 18 ग्रुप के साथ साथ 7 पेरियोड्स भी आपके शो ऑन हो रहे हैं. और एक और बात है, इस मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक होते हैं, इसलिए मैंने एफ ब्लॉक को नीचे आपकी पोजीशन दी है. तो यहाँ पर आपके अगर हम देखें तो ये आपके 14 ग्रुप्स हैं और 2 आपके हैं. ये जो आपका पोर्शन है, पहला वाला जो 4F वाला है, ये वाला पोर्शन 6 पेरियोड यहाँ से आया है. ठीक है, और ये 5th वाला है वो यहाँ से आया है. चलिए अब थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं. नेक्स्ट में आए, ये आपकी कंप्लीट लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल है. इसमें देख लीजिए आप कितना कमाल किया गया है कि इसी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल को मॉडर्न पेरियोडिक टेबल कहते हैं. इसके अंदर 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक. ठीक है, ये सबसे पहले जो आपके दिए गए ये और दिए वर्टिकल लाइन्स, ये आपके एस ब्लॉक में आते हैं. फिर आपकी ये 6 वर्टिकल लाइन्स हैं है ना, और इन वर्टिकल लाइंस को हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी. अब हम इन्हें देख लेते हैं. जहाँ पर 10 वर्टिकल लाइंस हैं, इन्हें हम डी ब्लॉक के एलिमेंट के नाम से जानते हैं. ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जाने जाते हैं. अंडरस्टैंड दैट. अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात और बता दें कि जो आपकी एस ब्लॉक एलिमेंट की फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट है, जहाँ पर फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट है, या आपका सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट है, तो बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या आती है बैलेंस की. तो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट की बैलेंस 1, ठीक है, सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट की बैलेंस 2. अब बैलेंस ही याद करने में कोई आपत्ति नहीं है, अब आप एलिमेंट लर्न कर लोगे. वैसे करके यहाँ पर जो 8 ग्रुप है उसकी बैलेंस 0, यहाँ की 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से आपकी बैलेंस ही बहुत चली जाएगी. 3 के बाद फिर आपका ऐसे ही, यहाँ पर 3, फिर 4, ऐसे करके ये आपकी हो रही है बैलेंस ही. और यहाँ पर 2 बैलेंस भी है. ठीक है, ये केस के ऊपर डिपेंड करेगा. हम इसे भरते हैं कैसे बनाएंगे, तो जो आपका फर्स्ट पेरियड और फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट पेरियड और फर्स्ट ए ग्रुप, उसमें हाइड्रोजन होता है या फर्स्ट एटॉमिक नंबर होता है, जहाँ पर 3 और 4 है, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक है. थर्ड पेरियड से स्टार्ट होता है 11 एटॉमिक नंबर, 12, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18. ठीक है, फिर है 19 से लेकर के आपके 36 तक. ठीक है, फिर 37 से लेकर के 54 तक, फिर आपका 55, 56, 57 और 57 के बाद 58 और 71 तक. ठीक है, फिर 71 से लेकर के यहाँ पर आपका 6th पेरियड में 86 है, फिर 89 से फिर नया आपका शुरू हो जाता है. अब देखो एक बार फिर बता दें, ये आपका फर्स्ट से सेकंड है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, फिर डी ब्लॉक एलिमेंट है, फिर आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है, लास्ट में आपके 4F ब्लॉक एलिमेंट और 5F ब्लॉक एलिमेंट हैं. यहाँ पर मैंने भी आपको 103 तक बताया है, और इतने ही एलिमेंट आपको लर्न भी करने हैं. ठीक है, एटॉमिक नंबर सबको समझ में आ गया. अच्छा, जितने भी वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनमें उनकी बैलेंस ही फिक्स रहती है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन भी फिक्स ही रहता है. यहाँ पर इस मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के अंदर या लॉन्ग फॉर्म टेबल के अंदर मैंने केवल और केवल एलिमेंट को इंक्लूड किया है बस. ठीक है, एटॉमिक नंबर मैंने पहले दे दिए, अब आप उनके एटॉमिक नंबर और एलिमेंट को अलग से सेपरेट कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं. तो ये मुझे आपको समझाना था. एलिमेंट के नाम एक बार बता देता हूँ विद इन द 20 सेकेंड. एच को हाइड्रोजन कहते हैं, एच ई को हीलियम कहते हैं, एल आई को लिथियम, बी ई को बेरिलियम, बी को बोरॉन, सी को कार्बन, एन को नाइट्रोजन, ओ ऑक्सीजन, एफ फ्लोरीन, एन ई नियॉन,
एन ए होता है सोडियम, एम जी होता है मैग्नीशियम, ए एल को कहते हैं एल्यूमिनियम, एस आई को एस सिलिकन, पी को फॉस्फोरस, एस को सल्फर, सी को सी एल, ए आर को आर्गन, के को बोलते हैं पोटेशियम, और आपका सी ए कैल्शियम होता है, एस ई स्कैंडियम होता है, टी ई टेलीरियम होता है, बी वेनेडियम होता है, सी आर क्रोमियम होता है, एम एन होता है मैग्नीज, फिर आयरन एफ ई आयरन होता है, सी ओ कोबाल्ट होता है, एन आई निकल होता है, सी यू कॉपर होता है, जेड एन जिंक होता है, जी ए आपका गैलियम होता है, जी ई जर्मेनियम होता है, ए एस आर्सेनिक होता है, एस ई सेलिनियम होता है, बी आर ब्रोमियम होता है, के आर क्रिप्टन होता है, आर बी रूबिडियम होता है, एस आर जो होता है स्ट्रॉन्शियम होता है, बाई यट्रियम होता है, और जेड एन जेड आर होता है जिरकोनियम, एन बी निब्डियम होता है, एम ओ मॉलिब्डेनम होता है, टी सी टेक्नीशियम होता है, आर यू आर रुथेरियम, और आर एच को रोडियम कहते हैं, पी डी को पैलेडियम, ए जी जिसकी ज्वेलरी बनाई जाती है सिल्वर होता है, और सिल्वर के बाद आपका कैडमियम आता है, इंडियम आता है, फिर आता है एस एन, ठीक है टेन होता है, एस बी एंटीमनी होता है, टी ई टेलीडियम होता है, फिर इसके बाद आयोडीन होता है जो समुद्री घास लैमिनेरिया होता है उसके अंदर पाया जाता है, एक्स ई इनर्ट गैस है, ठीक है इसके बाद है आपका सी एस और बी ए एल ए लेंथेनम, और इसके बाद नीचे आ जाते हैं सी वो सीरियम कहते हैं, प्रोसियो प्रेसियोडाइमियम नियोडाइमियम पी एम प्रोमेथियम समेरियम यूरोपियम गैडोलियम, फिर टी वी टर्बियम होता है, डाई डाइस्पोसियम होता है, फिर एच ओ होलमियम होता है, और अर्बियम और टी एम बाई वी एल यू, इसके बाद सारे के सारे एलिमेंट के नाम कोशिश करिए। तो ये आपकी जो पैरियोडिक टेबल है वो 11th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए सब के लिए बेनिफिशियल है। ये तो बिल्कुल दिमाग में रखिए, जब भी किसी भी टाइप का कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जाएं तो आप मॉडर्न पैरियोडिक टेबल को अच्छे से पहले से बना लें। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी और दे दें, जो आपका फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होते हैं उन्हें हम उन्हें हम एल्कलाइन एलिमेंट कहते हैं, सेकंड ए ग्रुप को एलिमेंट को हम कहते हैं क्या बताओ, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये अर्थ में पाए जाते हैं, और आपके जो आपके होते हैं एफ ई सी ओ एन आई ये भी आपके इम्पोर्टेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले होते हैं, फिर जिंक वाले जो होते हैं ये आपके जो कॉपर ए जी ए यू वाले होते हैं कॉइन एलिमेंट होते हैं, इनर्ट गैसेस के नाम से जानते हैं, ये आपकी ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते जिंक वगैरह है ना, फिर आपके आ जाते हैं लास्ट में 18 ग्रुप को हम जीरो ग्रुप कह सकते हैं, इन्हें हम इनर्ट गैस एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, 17 ग्रुप को हम फ्लोरीन एफ सी एल वी आर आई को हम इनर्ट गैस सॉरी हैलोजन एलिमेंट्स कहते हैं, और ऑक्सीजन वाले को ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन वाले को नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन वाले को कार्बन फैमिली, और बोरोन वाले को बोरोन फैमिली कहते हैं। यही इस मॉडर्न पेरियोडिक टेबल का एक्सप्लेनेशन था, और जो आपका सबसे नीचे लिखा हुआ है 4F और 5F ये आपके F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, F ब्लॉक एलिमेंट को मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के अंदर पेरियोडिक टेबल के नीचे स्थान दिया गया है, राइट साइड में 13 से लेकर के 18 तक P ब्लॉक एलिमेंट हैं, वाइल 3 से लेकर के 11 12 तक आपके D ब्लॉक एलिमेंट हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, और फिर मिलते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, जल्दी से जल्दी इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को तैयार कर लें और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।